बाल परी, क्योंकि ये विष बहुत तेज और खतरनाक है। हमें जल्द से जल्द बालवीर तक पहुंचना होगा ताकि हम उसे उस विष के असर से बचा सके। नहीं परी, इस समय हमारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। बाल परी, आप आर पार परी और नटखट परी को लेकर पृथ्वी लोक जाइए और वहां जाकर बालवीर को सुरक्षित वापस लेकर आइए। जी हाँ रानी परी, हम अभी जाते हैं। छाया छाया छाया, आज छाया की माया के आगे हार गया बाल। वो बालवीर और सामना करो छाया परी की बुराई का, या फिर मैं मान कि तुमने हार मानी। बालवीर कभी नहीं हारेगा, वो भी उठेगा और तुम्हें हराएगा। ठीक से देखो, आंखें गड़ा कर देखो कैसे मेरे विष के वार से इसका रंग नीला पड़ गया है। बेचारा बालवीर, वो तो तुम्हारी आवाज भी नहीं सुन सकता। बड़ी बुरी हूँ और मुझसे भी बुरी छाया की माया। शाबाश छाया परी, शाबाश। आज तुमने बालवीर को हरा कर बुराई का सर ऊंचा कर दिया। तुम्हारी रानी परी ने मेरे हाथ पर वार कर मेरी मन बदल शक्ति छीन ली थी ना, तो उसके बदले में मैंने तुम्हारा जीवन ही छीन लिया। बालवीर, बालवीर, चलो परियो, रुकिए परियो, वो देखिए महाभस्म परी। महाभस्म परी, तो ये सारा खेल इस महाभस्म परी का रचाया हुआ था। तुम तो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, क्या कहते थे? जब जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं, लेते लेते थे, अब नहीं लेते। अब जब भी पृथ्वी पर कृष्ण लीला होगी तो जीत कृष्ण की नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंस की होगी, क्योंकि बच्चों का रक्षक बालवीर समाप्त हो चुका है, उसका नामो निशान मिट चुका है। कई बालवीर बनेंगे, कौन बनेगा बालवीर? मैं बनूंगा बालवीर, मैं बनूंगी बालवीर, मैं बनूंगा बालवीर, मैं बनूंगी बालवीर, मैं बनूंगी बालवीर, मैं बनूंगा बालवीर, मैं बनूंगा बालवीर, मैं बनूंगा बालवीर। लोक लेकर चलते। चलो परी, ये सही समय नहीं है, हमें सही समय देखकर बालवीर को परी लोक ले जाना होगा। क्या हुआ, एक ही बार से चुप हो गए सारे बालवीर? देखो ये धरती पर बालवीर नहीं पड़ा है, अच्छाई पड़ी हुई, सच्चाई पड़ी हुई,
और हर वो बच्चा यही पनप देगा जो अच्छाई या सच्चाई का साथ देगा। क्योंकि आज के बाद छाया की माया ऐसा कहर बरसाएगी जिसे देखकर अच्छाई बुराई के सामने आने से डरेगी। कृष्णा जी, हमने हमेशा यही सीखा है कि आपके होते हुए अच्छाई कभी नहीं हारती, कभी नहीं। प्लीज आप हमारे बालवीर को बचा लो, प्लीज। आज बालवीर को बचाने कोई नहीं आएगा और अगर कोई आ भी गए तो उसे बचा नहीं पाएगा। अब महाभस्म पर का ध्यान नहीं है, चलो बालवीर के पास चलते जल्दी से। बालवीर, और तुम्हारा बालवीर इसी तरह धरती। बालवीर, बालवीर बाली कहाँ गया? जरूर परियां उसे उठाकर लेकर गई। अब चिंता न करें महाभस्म परी, जहाँ ले जाना हो वहाँ ले जाए परिया बालवीर को, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सुन लो बालवीर, तुम चाहे जहाँ भी चले जाओ, परिया चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो छाया की माया के बने विष से तुम्हें बचा नहीं पाएंगी, नहीं बचा पाएंगी। रानी परी कुछ तो कीजिए ना, बालवीर को होश में लाइए। रानी परी, बालवीर को होश में लाइए। बाल परी संभालिए अपने आप, हम बालवीर को जरूर बचाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। हम सच्चाई के सूरज को कभी नहीं ढलने देंगे। बालवीर के शरीर में फैले विष पे तो रानी परी के जादू का भी कोई असर नहीं हो रहा। नहीं अटकाती परी, हम सब मिलकर कोशिश करते हैं, जरूर कुछ असर होगा। ये विष बहुत तेज और खतरनाक है, जिसका तोड़ हमारे किसी के पास नहीं है। इसका मतलब बालवीर को फिर से होश में लाना असंभव है रानी परी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज सूरज के साथ अच्छाई और सच्चाई का सूरज भी हमेशा हमेशा के लिए ढल जाएगा। लोगों सिर्फ और सिर्फ बुराई का घना अंधेरा छाएगा। नहीं, रात का अंधेरा भले कितना भी घना हो जाए, लेकिन उसे सूरज की पहली रोशनी के साथ मिटना ही पड़ता है। छाया छाया छाया, अब सच्चाई का सूरज कभी नहीं उगेगा, क्योंकि वो मेरे विष से हमेशा हमेशा के लिए काले अंधेरे में छिप चुका है। अगर ऐसा है तो बालवीर अंधेरे को चीर कर आएगा। छाया की माया से बचकर कोई नहीं आता और ना ही बालवीर आएगा, क्योंकि उसका अंत हो चुका है। आज जन्माष्टमी है और देखते हैं कि कृष्ण जी बालवीर को जीवन देते हैं या अंत। देखते तुम्हारे बुराई के विष में ज्यादा असर है
या हमारे प्रार्थना में। हाँ बड़ी बुरी हूँ मैं और बड़े भोले हो तुम। चलो अच्छा अच्छा है कि आज तुम सब के सर से अच्छाई का भूत उतर जाए, फिर तुम मेरी बुराई को अच्छी तरह से अपनाओगे। वो तो समय ही बताएगा कि कौन क्या अपनाता है। स्कूल में मैं बच्चों को परेशान करता था, उनसे लड़ता था, लेकिन आज मैं बालवीर जी के लिए तुमसे लड़ूंगा और जरूरत पड़ी ना तो मैं कृष्ण जी से भी लड़ूंगा बालवीर जी को वापस लाने के लिए। जन्माष्टमी पे कृष्ण जी की तरह हमारे बालवीर का भी दूसरा जन्म होगा। ठीक दिया, तुम सबको भी समय दिए, पुकारो अपने कृष्ण भगवान और पूछो उससे क्या वो तुम्हें तुम्हारा बालवीर लौटा पाएगा, और अगर तुम्हारा भगवान ऐसा नहीं कर पाया फिर मैं तुम सबका अंत करूंगी। मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, कभी जरूरत पड़े तो मैं हर संभव तुम्हारी मदद करूंगा। रुक जाइए बालपरी, ये सांप बालवीर का दुश्मन नहीं बल्कि उनका दोस्त बनकर आया है, और बालपरी यही आखिरी उपाय है हमारे पास बालवीर के शरीर में से इस विष को बाहर निकालने का। बालवीर के शरीर से सारा विष उतर गया है। हाँ। बालवीर का सारा विष निकल गया है, फिर भी वो होश में क्यों नहीं आ रहा? नहीं, आ जाएगा मेरे मित्र बालवीर को होश,
गालपरी, बना दीजिए आप एक बड़ा सा कुपरा। समय समाप्त। अब मैं तुम सबका अंत करूंगी। अच्छाई की ताकत के सामने तुम्हारी माया बेअसर हो गई छाया परी। और आज तो जन्माष्टमी है, बुराई और अधर्म के नाश का दिन। तो फिर मुझे कैसे कुछ हो सकता था? अगर तब नहीं हुआ तो अब होगा। अब जो होगा वो तुम्हारे साथ होगा महाबसु परी। अधर्म के नाश के लिए भगवान ने मुझे एक बार फिर से जन्म दिया है। कृष्ण लीला पहले भी बुराई के अंत से ही समाप्त होती थी और आज भी वो बुराई के अंत से ही समाप्त होगी। पूजा सफल हो गई। हाँ, लेकिन अभी तक कृष्ण लीला पूरी नहीं हुई। अरे हाँ, अरे हाँ। चलो 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 चलो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.